हेलो दोस्तों, आज एक कमाल का रिपेयरिंग वीडियो के साथ मैं सिपु आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आपका सिपु क्रिएशन में। हर बार की तरह कुछ ना कुछ ऐसे नया नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आता रहता हूं और आप सभी को नया नया क्रिएटिविटी के साथ आइडिया देता रहता हूं। तो आज की इस रिपेयरिंग वीडियो में हम देखेंगे ये ब्लूटूथ मॉड्यूलर जो है और ये मॉड्यूलर में क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताऊंगा। इसको आप किस तरह से इजी मेथड में सही कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं अपने घर पे बड़े आसानी से, वो भी बताऊंगा, वो स्टेप भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, वीडियो में इस सारी ट्रिक को ज्ञान लेते रहिए। तो मैं यहाँ पे इसकी पीसीबी खोल चुका हूँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, और इस पीसीबी में और एक है ब्लूटूथ के साथ इसमें एसडी कार्ड का भी स्लॉट दिया गया है, जिसके वजह से आप इसमें एसडी कार्ड डायरेक्ट इंसर्ट करके म्यूजिक का आनंद भी ले सकते हैं। और इसमें क्या प्रॉब्लम है आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसकी कंडीशन क्या है, ये मैग्नेटिक भी यहाँ पे चिपक जाता है, अच्छा कंडीशन है, पर इसका वायर का केबल देख पा रहे हैं दोस्तों किस तरह से इसका कंडीशन है, ये वायर पूरी तरह से खराब हो चुकी है। तो सबसे पहले हमको चेक करना है, अगर इस टाइप का केस के पास आता है तो सबसे पहले आप इसके पीसीबी को चेक करें। पीसीबी को किसी भी चेक करने का ट्रिक भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देख पा रहे दोस्तों, यहाँ पे एलईडी जलने लग चुका है, यहाँ पे एलईडी चल चुका है, यानी कि हमारा पीसीबी ओके है। पर 100% पीसीबी ओके है कि नहीं है, इसकी ऑडियो आउटपुट हो रहा है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप देख पा रहे दोस्तों ये एक लेफ्ट साइड का आउटपुट के लिए है, ये एक राइट साइड का ऑडियो आउटपुट के लिए। तो इन दोनों को यहाँ पे हम अपना अलग से स्पीकर कनेक्ट करके देखेंगे कि यहाँ पे सही से साउंड आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉपर तरह से बज रहा है कि नहीं बज रहा है। तो यहां तक अगर हमारा साउंड ओके हो जाता है तो हमारा ये पीसीबी ओके मानेंगे। तो इसको रखेंगे साइड में और बाकी का काम इसमें शुरू करेंगे। और इसको देखेंगे दोस्तों, अगर ये स्पीकर बन पाता है तो इसको बनाएंगे, अगर नहीं बन पाता है किसी और हेडफोन होता है उसी के स्पीकर इसमें लगा देंगे। सबसे पहले काम करेंगे इसकी पीसीबी का, और पीसीबी में हम देखेंगे कि यहाँ ऑडियो आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे पीसीबी कंट्रोल कंडीशन में मैं आपको एक बार ऑफ कर लेता हूँ, पावर ऑफ हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो स्पीकर का कनेक्शन यहाँ पे दी गई है उसको सबसे पहले डिसोल्डिंग करके इसको निकाल देंगे। तो निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों पीसीबी का स्ट्रक्चर आप कुछ इस तरह से देख पा रहे, और इधर से आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है आपका लेफ्ट साइड का यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे कनेक्शन है, और इधर साइड में आप देख पा रहे हैं दोस्तों राइट साइड का पॉजिटिव नेगेटिव है। तो यहाँ से हम अपना अलग से स्पीकर का आउटपुट यहाँ पे कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन करने के बाद इसको चालू करेंगे, हम इसको साउंड की क्वालिटी चेक करेंगे। अगर यहाँ तक ऑडियो हमारा आउटपुट हो रहा है तो ये पीसीबी हमारा ओके है। तो यहाँ देख पा रहे दोस्तों दोनों तरफ से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का दोनों पॉइंट मिल जाएगा, इधर में भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट मिल जाएगा। अगर मैं अगर एक एक करके इसको चेक करूंगा तो यहाँ पर बड़ा लंबा टाइम हो जाएगा। तो यहाँ से मैं आपको एक ट्रिपल सा ट्रिक दिखाऊंगा कि आप किस तरह से फटास के दोनों तरफ का ऑडियो आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है जान पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, देख पा रहे दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव यहाँ का दोनों का कॉमन रहता है, और आपका जो पॉजिटिव है लेफ्ट का पॉजिटिव राइट का पॉजिटिव ये अलग अलग रहता है। तो इसको क्या करना है, यहाँ से आपका जो पॉजिटिव है लेफ्ट का पॉजिटिव और राइट का पॉजिटिव यहाँ से दो वायर कनेक्शन करके आउटपुट कर लेंगे बाहर की तरफ से, और अलग से एक हेडफोन को यहाँ पे लगा के चेक करेंगे, उससे हमको पता चल जाएगा कि लेफ्ट और राइट का दोनों तरफ से ऑडियो आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने राइट और लेफ्ट में पॉजिटिव में यहाँ पे कनेक्शन कर चुका हूँ, और दोनों वायर को यहाँ पे आपस में बाहर ले आ चुका हूँ। तो इसी दोनों वायर से कनेक्ट करेंगे स्पीकर को। और अगर पास स्पीकर भी नहीं है दोस्तों, आपके पास पुराना वाला हेडफोन आपके घर में या तो खुद इस्तेमाल करते होंगे जो हेडफोन है, इसी का यूज आप कर सकते हैं इसमें। तो इसमें क्या करना है आपको, ये जो पिन है, ये जो पिन आपको दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, ये दोनों में आपको कनेक्शन करना है, ग्राउंड को छोड़ के ये दोनों को कनेक्शन करेंगे तो दोनों स्पीकर आपका बजने लग जाएगा। तो हम कनेक्शन करके चेक करके आपको दिखा देता हूं क्या हमारा बोर्ड सही है कि नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे H15 के नाम पे यहाँ पे सर्च कर चुका है, और तो इसको हम करते हैं कनेक्ट ओके। और ये देख पा रहे दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन हो चुका है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आप राइट या लेफ्ट दोनों के लिए चेक करते हैं तो आपको क्या करना है, किसी भी एक पॉइंट में लेफ्ट राइट के लिए पॉजिटिव है इस तरह से आपको पकड़ना है, और ये जो दूसरा वाला पॉइंट है उसको आपको यहाँ पे नेगेटिव के साथ टच करना है। तो यहाँ पे बजने लग चुका है इस साइड का, दूसरे साइड का भी इस तरह कुछ आपको चेक करना है। उसे ब्लैक कलर का वायर को आपको एक स्पीकर में यहाँ पे एक टू कनेक्शन करना है, और बाकी का जो पॉइंट बच रहा है उसको आपको नेगेटिव के साथ ऐसे टच करना है। हमारा ये पीसीबी ओके है, तो इसको मैं कुछ करना नहीं है, बाकी जो काम करना है स्पीकर में काम करना है। स्पीकर को चेक करेंगे, स्पीकर में केबल कनेक्शन खराब है या उसकी स्पीकर खराब है, सब उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो वायर हम सोल्डिंग कर चुके हैं उसको हम डिसोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिसोल्डिंग का काम हो चुका है, तो इसको रखते हैं साइड में। हम आते हैं अभी स्पीकर का काम करेंगे, स्पीकर में चेक करेंगे वायर में इसका खराबी है या स्पीकर में इसको खराबी है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर स्पीकर का काम करते हैं तो स्पीकर का कंस्ट्रक्शन, स्पीकर का स्ट्रक्चर, स्पीकर का बनावट सबसे पहले आपको देखनी है किस टाइप की
बनी हुई है। तो आप देख पाए दोस्तों इस टाइप की कुछ इसकी कंस्ट्रक्शन है मेड है और आगे की तरफ यहाँ पे रबर का फ्रेम आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख पाए दोस्तों यहाँ पे इसकी कनेक्शन है दोनों को यहाँ पे आपस में ग्लू में यहाँ पे चिपका हुआ है। तो आपको इसी तरह से आपको हर एक हेडफोन का स्पीकर को बारीक से चेक करना है, देखना है कि कहाँ पे इसकी जॉइंट है और कहाँ से इसको प्रॉपर तरह से खोल पाएंगे। तो इसको यहाँ से खोलना होगा, खोलेंगे तभी जाकर ये निकलेगा। दोनों का दोनों ऐसे ही है। अब देखो दोस्तों वायर का कंडीशन किस तरह से, यानी कि वायर में खराबी हो सकती है, तो इसको भी हम करेंगे रिपेयर। इस केस में आपको दोनों का स्पीकर को इसमें खोलना है तभी जाके ये बनेगा। तो एक बार इसको मैग्नेट दिखा लेता हूँ दोस्तों, कितनी जबरदस्त है इसको मैग्नेट यहाँ से चिपक जाता है। तो दोस्तों एक चीज यहाँ पे मालूम पड़ा कि ये प्लास्टिक का बॉडी नहीं है, ये मेटल का बॉडी है, एल्युमिनियम का बॉडी है। यहाँ पे इसको कैसे खोलते हैं मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी दोनों प्लास की, इस तरह की दोनों प्लास का चाहिए होगा। इसमें प्लास को इस तरह से इसके बॉडी में इसको कसनी है और दूसरे वाली प्लास को आपको क्या करना है, दूसरे वाली प्लास में आपको फ्रंट वाली जो ये है इसको आपको इस तरह से पकड़ के नीचे की तरफ से दबाना है तो ये खुल जाएगा। और सीट तो आपका सेम टू सेम आपको दूसरी वाली हेडफोन का में आपको करनी है। तो ये ट्रिक भी आप अपने घर पे कर सकते हैं। अगर इस टाइप का कुछ हेडफोन आपके पास है मेटल का बॉडी का है तो आप इस तरह से इसको खोल सकेंगे बिना किसी झंझट से। सबसे पहले तो इसकी केबल को कनेक्शन सबसे पहले मैं डिसोल्डिंग करके निकाल देता हूँ। निकालने के बाद स्पीकर को पहले चेक करके साइड में रखूंगा, उसके बाद केबल को चेक करके अगर खराब भी है तो कट करके यहाँ पे देखूंगा। अगर यहाँ पे तक भी सही है तो लगा दूंगा, नहीं खराब है तो वायर को ही चेंज कर लूंगा। तो ये काम है तो कर लेते हैं सबसे पहले फटाफट से। तो दोस्तों आपको स्पीकर कैसे चेक करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। मल्टीमीटर है, आपको बजर मोड में यहाँ पे रखना है। बजर मोड में रखने के बाद स्पीकर की जो यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों ये वाली जो पॉइंट है इसमें आपको क्या करना है, दोनों पोर्ट को ऐसे रख के चेक करना है। अगर चेक करेंगे तो ये आपको एक बीप की साउंड आएगा। तो ये हमारा स्पीकर ओके है, इस वाला स्पीकर और इस वाले स्पीकर का भी पॉइंट यहाँ है। तो यहाँ पे आप प्लस माइनस जिधर भी आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देख पा रहे दोस्तों तो ये बीप यानी कि स्पीकर हमारा सही है, दोनों स्पीकर हमारा सही है। सो दोस्तों यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका है हमारा प्रोजेक्ट। यहाँ दोस्तों यहाँ पे प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें काफी सारा इसमें वायर में दिक्कत था और वायर में दिक्कत होने के वजह से यहाँ पे मेरे को बहुत सारा वायर छोटा करना पड़ा, कटिंग करना पड़ा। और यहाँ पे देखो दोस्तों इसमें भी यहाँ पे कटिंग करना पड़ा, वायर का खराब था। यहाँ से फटाफट से हो चुका है, सारा का सारा रेडी हो चुका है। इधर से कनेक्शन यहाँ पे लग चुका है और इधर में ये स्पीकर बन चुका है, रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ का कनेक्शन बाकी है तो दूसरी तरफ का कनेक्शन को फटाफट उसी तरह से कर लेते हैं। जिधर में पॉजिटिव लगेगा पॉजिटिव लगा देंगे, जिधर में नेगेटिव लगेगा नेगेटिव लगा देंगे। तो हमारा ये स्पीकर बनके रेडी हो जाएगा। तो ये देख पा रहे दोस्तों ये राइट पॉजिटिव है और राइट नेगेटिव है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कनेक्शन ये होगा। तो थोड़ा सा नीचे करके मैं यहाँ पे सोल्डरिंग का काम कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सोल्डरिंग का काम प्रॉपर तरीके से हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे बस इसे थोड़ा सा फेविक्विक चिपका के इसको रेडी कर देना है। रेडी करने के बाद इसके साउंड को तो आपको सुना के दिखाऊंगा, तो फटाफट से लाते हैं फेविक्विक को ऐसे चुटकियों में रेडी कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बनके हमारा रेडी हो चुका है, फटाफट से हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। एक बार टेस्ट करके आपको साउंड सुना देता हूँ। तो फटाफट से इसको मैं पावर ऑन किया, पावर ऑन होने के बाद यहाँ पे ब्लूटूथ में कनेक्शन करेंगे और यहाँ पे एक म्यूजिक प्ले करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बजने लग चुका है, तो हमारा ये ओके हो चुका है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, ये ट्रिक अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए वीडियो में, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल में सेट कर लीजिए। अगर फ्यूचर में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ रिपेयरिंग वीडियो के साथ वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाए। तो मिलता है दोस्तों नया से वीडियो, नया से क्रिएटिविटी, नया का रिपेयरिंग, नया से वीडियो के साथ। और गुड बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।